वाले थे, आपने पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है, पुलिस के तरफ से क्या आश्वासन मिला? सर मेरी जो मांग थी 9 मांगों के लेकर आज उपोषण था, उस उपोषण के चलते मानखुर पुलिस स्टेशन ने आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, उसी को चलते हमने निवेदन दिया है। सिकरे साहब थे वहाँ, उनके हाथों में निवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मांगे आपकी हैं आपकी पूरी होगी। कौन कौन सी 9 मांगे हैं? उसमें 9 मांगों को लेकर जो मेरे ऊपर 6-6 को एक 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसकी एफआईआर को रद्द करने की मांग है। और उसके बाद 6-6 को 2024 को जिस अधिकारी ने मामला दर्ज किया वो किसके ऊपर किसका दबाव था उसकी जांच की मांग किया है। उसके बाद 4 और 5 जून का मानखुर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक करने की मांग की गई थी कि लड़की पुलिस स्टेशन में इससे पहले आई थी कि नहीं, उसकी पूरी जांच है। उसके बाद आपको भू माफिया अब्दुल्ला शेख, सबसे बड़ा एक मुद्दा है भू माफिया अब्दुल्ला शेख का मोबाइल सीडीआर की जांच करने का मांग की है कि इसके अंदर कितने लोग खुलासा होगा कि किन पुलिस अधिकारियों के साथ में इसका संबंध है, उसकी जांच करने की मांग की है। और छठवां क्या है कि 6-6 को महिला शिकायतकर्ता पुलिस थाने में जो शिकायत की है कि उसको जो हेल्पलाइन है किस मोबाइल नंबर से फोन किया गया था उसकी जांच की मांग किया है। और एक पुराना मैटर है, एक 50 लाख की मानखुर पुलिस थाने के अधिकारियों के द्वारा एक 50 लाख का कोरेक्स बेचने का एक शिकायत दर्ज की गई थी, उसकी जांच की मांग की गई है। इसी और मुझे इस मामले में भू माफिया द्वारा जान से खतरा है और मुझे सुरक्षा की मांग की गई थी। इन्हीं 9 मांगों को लेकर आज यहां पर अमर अनशन विधानसभा चौक पर आयोजित किया गया था। आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक ही प्रशासनिक विभाग है, कलेक्टर कार्यालय की जमीन है वो डब्बा कंपनी की, क्या कलेक्टर यहाँ से कलेक्टर कार्यालय पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है? सर इसमें देखा जाए तो कलेक्टर का ये भी नहीं हो, कलेक्टर का देखा जाए इसके अंदर तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस की जवाबदारी आती है। आपको एक बता दूं आपको कि एक इसके जो मानखुर पुलिस स्टेशन के हद में एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसका प्रशासकीय पद होता है, उसकी पूरी जवाबदारी होती है कि उनके जो जुडिशियल में जो भी अवैध काम होता है उस अवैध काम को लेकर वो संबंधित विभाग को पत्र लिखे कि हमारे विभाग में ये अवैध काम हो रहा है उस पर कार्रवाई करे, वो उसका काम होता है। इसके लिए पहली जवाबदारी पुलिस स्टेशन की होती है, अधिकारी को होती है, उसके बाद जो लेटर यहाँ से पुटअप होता है उनकी जो संबंधित विभाग के जो ये होता है उनकी जवाबदारी होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो विभाग है सबका जिम्मेदारी होती है कि कुल अवैध काम और उनके जुडिशियल में ना चले। कहीं ना कहीं कलेक्टर के भी मिली भगत लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए डिपार्टमेंट सभी मिली भगत होती है ऐसा नहीं बोल सकता, हर एक लोगों का हिस्सा भी होता है इसके अंदर भू माफिया द्वारा। जो भू माफिया एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जैसा कि आपको जिस अन्ना भाव साठे नगर में एक डब्बा कंपाउंड है पूरे कई एकड़ की प्लॉट को कब्जा कर चुका है और उसी को चलते कुरला स्क्रैप में मैंने एक शिकायत दर्ज की गई थी कि जो माफिया द्वारा गोडाउन बनाया गया है उसकी, प्लस 1 जून को MMRDA की जगहों पर बड़े पैमाने पर 7 गाला बनाए गए थे, उसी गाले को लेकर मैंने न्यूज प्रकाशित की गई थी, उसी को चलते मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा गया कि महिला को मेरे कार्यालय में भेजा गया, उसको छेड़छाड़ करने का आरोप मानखुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, उसी को चलते यहां पर अमर अनशन था कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, न्याय के लिए मैं यहाँ अमर अनशन किया था। सरकार से लगता है एमपीपी विभाग में बड़े पैमाने पे सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है और क्या भू माफिया प्रशासनिक विभाग चला रहे हैं? नहीं कहीं कहीं नहीं, सही बात है, जो यहाँ के जो खाली जगहों पे बड़े पैमाने पर अवैध काम हो रहा है तो उसके अंदर जो प्रशासन है उसमें भी उनकी अनदेखी है, उसके कारण अगर वो सतर्कता होती तो उनकी जगहों पर कब्जा नहीं होता और सही ढंग से प्रोसीजर फॉलो किया जाता तो ये भू माफिया पनपने नहीं पाते और उनको जो लापरवाही है उसी कारण भू माफिया पनपते हैं। अगर आपको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगर मुझे ये 9 मांगों का न्याय नहीं मिला तो मैं आगे का जो मेरा जो अनशन रहेगा आजाद मैदान में करने की तैयारी हम लोग करेंगे। साई ऑप्टिक्शन, कॉन्टेक्ट लेंस एंड कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग, आई केयर फॉर ऑल टाइप्स। कॉल नाउ, सेल कॉलोनी रोड, चेंबूर, मुंबई।